कांग्रेस का आज 139वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पार्टी गुरुवार को यानी 28 दिसंबर को नागपुर में मेगा रैली का उन्होंने आयोजन किया। इसी के साथ हम है तैयार थीम के साथ पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेगी। आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीन मुख्यमंत्री, राज्य पार्टी प्रमुख, पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। साथ ही इस रैली में देश भर में से पार्टी कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। कांग्रेस महाराष्ट्र यूनिट के चीफ नाना पटोले ने कहा कि मेगा रैली में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने नागपुर के ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए कहा कि यह कई आंदोलनों और क्रांतियों का केंद्र रहा है। कांग्रेस ने नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, जिसके कारण 1947 में भारत को आजादी मिली। मेगा रैली में महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को उठाया जाएगा। साथ ही मेगा रैली के बाद महाराष्ट्र के 48 सीटों पर इंडिया के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग के प्लान पर भी फाइनल बात हो सकती है। यहाँ से तंत्र की ओर से हमें परमिशन नहीं मिली है,